क्या आपको भी कमजोरी महसूस होती है, थका थका लगता है, मूड खराब रहता है, किसी चीज पे कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है, कुछ याद नहीं रहता, स्किन भी डल होती जा रही है, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, डार्क सर्कल आ गए हैं, इम्यून सिस्टम बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, वजन बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी दिक्कत अच्छी नींद की कमी के है। हो सकता है आपकी नींद अच्छी नहीं होती है, इस वजह से लंबे समय में इन सब के साथ आपको दिल की बीमारी, हाइपरटेंशन, मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन और स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, प्री मेच्योर एजिंग हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। नींद का आपके बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए, मेमोरी के लिए और लर्निंग के लिए बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आप इंफॉर्मेशन को याद नहीं रख पाएंगे, आपकी लिटरली बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है टू इरिटेशन, टू पेन, और आप सोशली थोड़े विड्रॉ हो जाते हैं, आपकी एम्पैथी, दूसरों के तरफ धारणा जो है वो और क्रूर हो सकती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपकी नींद अच्छी क्यों नहीं है। हो सकता है स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्रोनिकली आप बहुत ज्यादा मात्रा में चाय, कॉफी या कोई स्टिमुलेंट लेते हैं, आप अपने फोन पे ज्यादा लगे रहते हैं, या फिर लिटरली आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर कई बार ये होता है केवल एक बुरा मैट्रेस। जी हाँ, मैट्रेस का एक बड़ा रोल होता है अच्छी नींद के लिए। स्लीप के दौरान कंफर्ट और सपोर्ट होना जरूरी है। जो भी मैट्रेस है वो आपके बॉडी का नेचुरल कर्व्स को सपोर्ट करे एडिक्वेटली, ताकि आपकी स्पाइन और जॉइंट को सपोर्ट मिले। स्पाइनल अलाइनमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बॉडी की स्पाइन एक न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, और इसमें आपके मैट्रेस का एक रोल आता है। स्लीप क्वालिटी, जितना कंफर्टेबल आपका मैट्रेस होता है वहां पर आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ जाती है। मोशन आइसोलेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सोते हैं तो पार्टनर ज्यादा हिल रहा है तो आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। मैट्रेस जो है ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो टेम्परेचर रेगुलेशन वाले मटेरियल से बने उतना अच्छा होता है। एक हाइपो एलर्जिक मटेरियल होना चाहिए, जहां पर एलर्जीज ना हो, ड्यूरेबल होना चाहिए, ज्यादा लंबा चलेगा, और पेन रिलीफ करना चाहिए अगर स्पेशली आपको बैक पेन, आर्थराइटिस, फाइब्रोमायल्जिया जैसी बीमारियां हैं।